आज का रिव्यू एक ऐसी कार के बारे में है जिसने आते ही SUV सेगमेंट में धमाल मचा दी। फॉर्चूनर, एंडेवर जैसी कारों को कड़ी टक्कर दे रही है ये कार। मैं बात कर रहा हूँ MG ग्लॉस्टर के बारे में। मैं हूँ दीप, आप देख रहे हैं मेरा चैनल रॉयल राइड विद दीप। स्टे ट्यून। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स कार्गो मोटर्स MG जलंधर, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत हेल्प की है। सो गाइस, जिस वेरिएंट का आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, यह है MG ग्लॉस्टर का शार्प वेरिएंट। लेट्स स्टार्ट विद द की। यह है MG ग्लॉस्टर की, जहाँ पे बटन्स में आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिलेगी। पीछे आपको MG का लोगो देखने को मिलेगा। वही इस की आउटर लेयर आपको क्रोम में देखने को मिलेगी, जिसके कारण की देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। सो गाइस, इस स्मार्ट की के साथ हमें मिलते हैं कुछ स्मार्ट फीचर्स। जैसे अगर इसके अनलॉक बटन को मैं लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखूँगा तो कार की सारी विंडोज़ और सनरूफ अपने आप ओपन हो जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं कि सारी विंडोज़ और सनरूफ ओपन हो चुकी हैं। और अगर इसी की के मैं लॉक बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखूँगा तो सारी विंडोज़ और सनरूफ अपने आप बंद हो जाएंगी। ये फीचर मुझे काफ़ी यूनिक लगा और काफ़ी अच्छा लगा। सो गाइस, अब बात करते हैं कार के इंजन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपको मिलते हैं हाइड्रोलिक स्टड्स के साथ कार की बोनट लिड, जिस पे ऑलरेडी हीट और नॉइस कैंसिलेशन की इंसुलेशन हो रखी है, जैसे आप देख सकते हैं। अगर बात करें कार के इंजन के बारे में, तो हमें मिलता है ट्विन टर्बो 2 लीटर का डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर 215 BHP की और 480 का न्यूटन मीटर टॉर्क। सो गाइस, अगर फ्रंट लुक की बात करें, फ्रंट से कार देखने में बहुत मस्कुलर लगती है। बोनेट पे मिलता है आपको एजी टच, ठीक सेंटर में मिलती है आपको MG की बड़ी सी बैजिंग, उसी के साथ आपको मिलती है बड़ी सी चंकी क्रोम ग्रिल। MG के बैजिंग के नीचे आपको मिलता है फ्रंट 360 डिग्री कैमरा, ग्रिल के ऊपर आपको क्रोम ब्रश्ड का काम देखने को मिलता है। फ्रंट बम्पर पर आपको मिलते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स। अगर हेडलाइट्स की बात करें, तो आपको हेडलाइट्स में मिलती हैं ऑटो एडजस्टेबल लाइट्स। जी हाँ, आपको यहाँ पे मिलते हैं 2 प्रोजेक्टर फुल LED लाइट्स। ऊपर आपको मिलते हैं DRL। अगर नीचे बात करें, तो नीचे आपको मिलती है एक फॉग लाइट जो कि हैलोजन है, उसी के साथ आपको मिलती हैं एयर वेंट्स। सो गाइज, अगर साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड से ये कार देखने में बहुत लंबी और ह्यूज लगती है। 4985 mm की लेंथ होने के कारण ये अपने सेगमेंट में सबसे लंबी कार बनती है। अगर इसके टायर प्रोफाइल्स की बात करें, तो हमें मिलते हैं 255/55R 19 इंच के टायर्स। जी हाँ, हमें 19 इंच के टायर मिलते हैं विद डायमंड कट अलॉय व्हील्स। और बात करने बीच में हमें मिलता है MG का लोगो। इसका फिफ्थ टायर भी हमें अलॉय व्हील के साथ मिलता है। अगर बात करें ORVMs की, तो हमें मिलते हैं ऑटो एडजस्टेबल LED इंडिकेटर के साथ ORVMs। नीचे हमें मिलता है 360 डिग्री का कैमरा और हमें मिलती है पर्डल लाइट, जिसमें आपको MG का लोगो देखने को मिलेगा। अगर डोर्स की बात करें, डोर के ऊपर आपको क्रोम का काम देखने को मिलेगा। अगर डोर हैंडल्स की बात करें, वो भी आपको क्रोम कलर में मिलेंगे। बी पिलर आपको ब्लैक ग्लॉसी कलर में देखने को मिलेगा। अगर बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इस कार में हमें मिलता है 75 लीटर्स का टैंक। सो गाइस, अगर बात करें बैक प्रोफाइल की, तो पीछे से कार देखने में बहुत खूबसूरत है। ठीक बीचों बीच आपको क्रोम का काम देखने को मिलेगा। उसके ऊपर आपको MG की बैजिंग मिलेगी। नीचे आपको बड़ा सा ग्लॉस्टर लिखा हुआ देखने में मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ये ग्लॉस्टर बहुत बड़ा लिख दिया गया है, जो देखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ, ये मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। MG के बैजिंग के नीचे आपको रियर व्यू कैमरा मिलेगा। पिछले ही विंड स्क्रीन में आपको वाइपर मिलेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो वहाँ पर और फोर व्हील ड्राइव की बैजिंग मिलेगी। राइट हैंड साइड में, जैसे हर MG की कार में लिखा होता है इंटरनेट इनसाइड, आपको वो वाली बैजिंग मिलेगी। अगर नीचे बात करें, तो नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे ड्यूल एग्जॉस्ट मिलेगा। बीच में आपको पैनल फिनिशिंग के साथ रिफ्लेक्टर लाइट मिलेगी।
ऊपर हमें स्पॉइलर विद लाइट मिलेगा। अगर बात करें कार की टेल लाइट्स की तो हमें राउंड शेप में फुल एलईडी टेल लाइट्स मिलेंगी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और अब बात करते हैं एमजी के बिल्कुल ख़ास फीचर की। जी हाँ, जैसे अगर हम बूट के नीचे अगर अपनी लेग स्वाइप करते हैं तो इसका बूट अपने आप ओपन हो जाता है। ये फीचर बहुत ही यूनिक लगा मुझे एमजी में। सो गाइस, अगर कार के बूट स्पेस की बात करें तो हमें मिलते हैं 343 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि इस कार के हिसाब से बहुत कम है। पर द बेस्ट पॉइंट इज़ हमें मिलते हैं 60-40 की स्प्लिट सीट्स। हम लास्ट थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड करके बूट स्पेस ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको फोल्ड करते ही बूट स्पेस मोर देन 600 लीटर से ज़्यादा हो जाता है। और हमें मिलती है बैक हैलोजन लाइट, और उसके ठीक नीचे हमें मिलता है सबवूफर। अब बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कार को अनलॉक करने का सेंसर आपको दोनों तरफ मिलता है, ड्राइवर साइड में भी और पैसेंजर साइड में भी। सो गाइज, अब बात करते हैं कार की इंटीरियर और ड्राइवर साइड डोर के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, हमें यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम अपने कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, विंडोज़ कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें मिलते हैं चारों पावर विंडोज़, वन टच डाउन। अगर कार के इंटीरियर की बात करें तो हमें ब्लैक एंड ब्राउन का इंटीरियर देखने को मिलता है। बीच में हमें हल्का सा क्रोम टच देखने को मिलता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अब अगर बात करें ड्राइवर सीट के बारे में तो हमें 10-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। सीट की कुशनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और हमें इसमें 2 memory प्रीसेट का ऑप्शन भी मिलता है। हम इसे इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे और ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बात करें सीट की कुशनिंग की तो कुशनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इसमें हमें मसाजर का ऑप्शन भी मिलता है। सॉरी गाइस, इसके एक्सटीरियर का एक पॉइंट कवर करना भूल गया, वो है इसका फुट स्टेप जो है क्रोम कलर का। और उसी के साथ आपको मिलती हैं डोर स्कर्ट प्लेट्स विद लाइट जिसपे एमजी की बैजिंग हो रखी है। साथ ही साथ आपको इसके यहाँ पे स्टीयरिंग के नीचे आपको मिलता है ORVM कंट्रोल और हेडलाइट कंट्रोल। सो गाइस, अब बात करते हैं कार के स्टीयरिंग व्हील के बारे में। हमें मिलता है लेदर रैप फ्लैट बॉटम कार का स्टीयरिंग व्हील, जिसमें हमें ब्रश क्रोम और पियानो फिनिशिंग ब्लैक कलर का काम देखने को मिलता है। जहाँ हमें राइट साइड अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के स्विच मिलते हैं, वही लेफ्ट हैंड साइड नीचे हमें क्रूज़ कंट्रोल और ऊपर MID कंट्रोल करने के स्विच मिलते हैं, जिससे आप अपनी MID की सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हो। राइट हैंड साइड हमें पीछे हेडलाइट कंट्रोल करने का लीवर मिलता है, और इसके ऑपोजिट साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे वाइपर कंट्रोल करने का लीवर मिलता है। और स्टीयरिंग व्हील के ठीक पीछे हमें सिल्वर कलर के पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। अगर डिस्प्ले की बात करें तो हमें यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन देखने में मिलता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। जहाँ दोनों एंडिंग में हमें एनालॉग देखने को मिलता है, वहीं बीच में हमें 8 inch की डिस्प्ले देखने को मिलती है जो देखने में बहुत खूबसूरत है। अगर MID फीचर्स की हम बात करें तो यहाँ डिस्प्ले में हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसके थ्रू हम इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी, टायर प्रेशर और सीट बेल्ट वार्निंग, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। नीचे हमें मिलता है पुश स्टार्ट का बटन, सामने हमें मिलती है इंफोटेनमेंट सिस्टम की बहुत बड़ी स्क्रीन अपने पियानो फिनिशिंग के साथ, ऊपर हमें मिलता है ऑटो डिमिंग IRVM। अगर इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा हो गया। जी हाँ, इसके थ्रू आप अपनी कार को चारों तरफ से देख सकते हो। और इसमें और भी बहुत कनेक्टिंग फीचर्स आते हैं, जैसे एंड्रॉयड हो गया, एप्पल कारप्ले हो गया, इसमें इनबिल्ट गाना ऐप आती है। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये बिल्कुल भी लैग नहीं करता, और इसकी टच बहुत सॉफ्ट है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप कार की जो एम्बियंस लाइट है उसको 64 कलर्स में डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हो। मैं मॉर्निंग में शूट कर रहा था, जिसके कारण मैं इसकी एम्बियंस लाइट मैं नहीं दिखा पाया। और इसमें बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं जिसके थ्रू आप अपने कार के सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपको 12 स्पीकर का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है। अगर अब हम इंटीरियर की बात करें, नीचे AC वेंट्स हमें मिलती हैं पियानो फिनिशिंग क्वालिटी में ब्लैक कलर की। और अगर कार के इंटीरियर की बात करें तो हमें ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे सारा सॉफ्ट लेदर का यूज़ किया हुआ है, ये काफ़ी प्रीमियम फील देता है, बहुत प्रीमियम लुक देता है कार को।
अगर नीचे बात करें तो हमें मिलता है ड्यूल जोन एसी क्लाइमेट कंट्रोल, और उसके नीचे हमें मिलता है थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस, जहाँ पे यहाँ पे हमें मिलता है एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे हमें मिलता है वायरलेस फ़ोन चार्ज करने का ऑप्शन, यहाँ पे मिलती है 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जहाँ पे आप अपने फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। और अगर यहाँ पे बात करें स्टोरेज की तो हमें ठीक ठाक स्टोरेज की स्पेस। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो हमें 8 गियर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। अगर गियर नॉब की बात करें तो बहुत प्रीमियम लुक वाला गियर नॉब मिलता है, जहाँ पे क्रोम का फिनिशिंग देखने में मिलती है। राइट हैंड साइड में हमें बहुत सारे स्विचेज मिलते हैं, जहाँ पर हमें हिल असिस्ट हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोलर हो गया, ऑटो पार्किंग हो गया, ये सारे स्विच मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें हीटेड सीट्स के ऑप्शन मिलते हैं। अगर उसके नीचे देखें तो हमें एक नॉब मिलती है, जिसके थ्रू हम अपने कार के मूड्स चेंज कर सकते हैं कि आपको कार को कौन सी मूड में चलाना है, जैसे स्पोर्ट्स मूड हो गया, या मड मूड हो गया, या इको मूड हो गया। जैसे मैं नॉब को टर्न करता हूँ तो सामने कार का मूड चेंज हो जाता है। और इस कार में अगर सेफ्टी की बात करें तो बहुत सारे फीचर्स हैं, हमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं, हमें ब्रेक असिस्ट मिलता है, ईपीएस मिलता है, ईबीडी मिलता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमें स्पेस में 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, यहाँ पे हमें आर्म रेस्ट मिलती है जो नॉन एडजस्टेबल है, इसके अंडर हमें थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलती है विच इज़ लाइक ठीक है, स्टोरेज स्पेस इतनी कम भी नहीं है। और अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें इन एक सफिशिएंट स्पेस का ग्लव बॉक्स मिलता है, जो कूलेंट ग्लव बॉक्स नहीं है, ये नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। ड्राइवर साइड हैंडल की जगह आपको दे दिए गए हैं सनग्लास होल्डर, ये पता नहीं एमजी वालों ने क्यों किया हुआ है। अगर स्टेयरिंग के नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है ड्राइवर साइड पे। अगर सन वाइजर्स की बात करें तो ये यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर्स मिलती हैं विद लाइट्स, ये आपको पैसेंजर साइड भी मिलती है वैनिटी मिरर और 2 लाइट्स, ये अच्छा किया हुआ एमजी ने। बीच में आपको मिलती हैं एलईडी लाइट्स विद पियानो फिनिशिंग, बीच में आपको मिलता है सनरूफ के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको इस कार में आपको पैनोरामिक रूफ मिलती है जो देखने में बहुत बड़ी है और काफ़ी अच्छी है। अगर अब बात करें कार के कंफर्ट की तो कार की सीट जो ड्राइवर सीट है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसमें आपको ऑल द मसाज का भी फीचर मिलता है। पर अगर इसकी और कंफर्ट की बात करें तो इसकी जो अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छी है, लंबर सपोर्ट काफ़ी अच्छी है, और इसमें हेडरूम भी आपको इनफ मिलता है। अब मैं आ गया हूँ रियर सीट में। अगर रियर सीट की विंडो की बात करें, यहाँ पे भी आपको ड्यूल टच विंडो देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको 1 टच डाउन विंडो का कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे आपको स्पीकर्स और ट्विटर मिलते हैं, नीचे आपको बोतल होल्डर मिलता है। अभी मैं आ गया हूँ रियर सीट पे, ये शार्प मॉडल है, यहाँ पे आपको कैप्टन सीट्स नहीं मिलती। अगर इन सीट्स की बात करें तो ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, पीछे का जो इसका पोस्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिलती है जो काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो ये थोड़ा सा कम लगता है, जैसे ये सीट अभी मेरी हाइट 5'6" जैसे मैंने आपको बताया, मेरे अकॉर्डिंग भी यहाँ पे रूम थोड़ा सा मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, मे बी 6 फीट वालों को यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। और जो एक बात है कि यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे आपको मिलता है 3rd जोन एसी कंट्रोल, जिसके थ्रू आप अपना एसी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। बीच में आपको यहाँ पे मिलता है 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट्स। अब मैं आ गया हूँ कार के 3rd रो सीट पे, यहाँ पे भी आपको स्पीकर मिलता है, यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिलता है, यहाँ पे आपको मिलती हैं एसी वेंट्स, एक यहाँ पे एलईडी लाइट्स मिलती हैं। अभी मैं हूँ कार के 3rd रो सीट पे, तो यहाँ पे अगर सीट कंफर्ट की बात करें तो ये सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे लेग रूम बहुत कम मिलता है, यहाँ पे ऑल दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, पर अगर लेग रूम की बात करें तो लेग रूम बहुत ही कम है। यहाँ पे एडल्ट्स का बैठना काफ़ी मुश्किल है, आपके साथ बच्चे हैं वो इस सीट पे शायद कंफर्टेबल हों। मेरी हाइट 5'6" है, उसके अकॉर्डिंग भी मेरे को ये लेग रूम बहुत कम लग रहा है। तो अब अगर इस कार के प्राइसिंग की बात करें तो ये है शॉप वेरिएंट, इसकी एक्स शोरूम प्राइस 35,48,000 है।
सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो कौन सी कार की देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।